सीजेएम कौशलेंद्र सिंह ने जिला अदालत के बाहर सोमवार को मोबाइल कोर्ट लगाकर कई ओवरलोड वाहनों को पकड़ा। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया वाहनों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। सीजेएम द्वारा लंबे समय से शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को सीजेएम ने यातायात विभाग के साथ जिला अदालत के ठीक बाहर सड़क से गुजर रहे ओवरलोड वाहनों को पकड़ने के साथ ही उन पर जुर्माना भी ठोका। इस कार्रवाई के दौरान एक ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली भी हाथ लगी जो कि ओवरलोड थी। इसके अलावा वाहनों से हूटर पे अनावश्यक प्रयोग से चलाने वाले चालकों को भी पकड़ा। इस कार्रवाई के दौरान चार पहिया वाहनों पर चढ़ी काली फिल्म भी उतारी गई। वहीं काली फिल्म का उपयोग करने वाले वाहनों पर जुर्माना भी ठोका गया। शहर में जो नो पार्किंग के वाहन खड़े हुए हैं, चाहे फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो, उन सब पर कार्रवाई की है। दो टीमें बनाई हैं यहाँ पुलिस ने। पहली टीम अपने जज्जी बस स्टैंड पर SBI बैंक है वहाँ काम कर रही है और वहाँ भी चालान बने हैं। और दूसरी टीम में मैं यहाँ न्यायालय गेट पर CGM साहब भी साथ में है तो यहाँ भी कार्रवाई की है। इसमें दो पहिया चार पहिया कुल मिला के लगभग 30 वाहनों के चालान बनाए गए हैं और एक गाड़ी का हुटर भी निकाला गया है और ओवरलोड और ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियों की कार्रवाई की।